इस वीडियो में आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल जो ऑलरेडी आ रखा है, और क्या इस बार एंट्रेंस टेस्ट जो अभी 21-22 में होना है, चाहे वो यूजी पीजी या फिर डिप्लोमा या फिर स्कूल के जो एंट्रेंस टेस्ट होना है, क्या पोस्टपॉन्ड होगा या नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ jmicoe.in सिंपल आप गूगल पे जाके सर्च कर लेंगे, और जैसे ही जब सर्च करेंगे तो उसके बाद आप इस तरीके से देखिए, मैंने जो सर्च किया आप देख सकते हैं। मैं सिंपल आपको क्या करना है, jmicoe.in पे क्लिक कर देना है। जैसे ही जब क्लिक करेंगे इसके बाद आपको इस तरीके का जामिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको दिख जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लेटेस्ट में अपडेट्स और नोटिस को लेकर अगर हम देखें तो साफ यहाँ पे जो मेंशन है, यानी कि लेटेस्ट में यही है कि नोटिस फॉर एक्सटेंशन, तो इस वाले यानी कि इस अगर आप जैसे ही इसे डाउनलोड करेंगे तो इसके बाद आपको सिंपल एक पीडीएफ ओपन होगा। इस वीडियो में आपको ये बहुत हद तक आपको ये भी पता चलेगा कि आपका एंट्रेंस टेस्ट अभी जो शेड्यूल आ रखा है हो गया नहीं। सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लें खासकर स्कूल का, तो उसका जो लास्ट डेट है वो 21 जून था, जो कि डेट ओवर हो गया है। अब कोई भी बच्चा जो है फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा, जिसने फिल कर दिया ऐसा कर दिया उनका अब दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मौका मिलना होता तो जामिया इस पर नोटिस जरूर निकालती, लेकिन अभी तक कोई वैसा नोटिस नहीं है और अब ना आ पाएगा। अगर हम इसमें शेड्यूल की बात करें यानी अभी के अकॉर्डिंग, यानी आज के डेट के अकॉर्डिंग, अगर आज अगर बात करें 25 जून के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें, तो सिंपल आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो सिंपल, क्योंकि ऑलरेडी नर्सरी का जो डेट है शेड्यूल है वो आ रखा है, 1 जुलाई को इनका होगा एंट्रेंस का जो पर्पस है यानी एडमिशन का जो शेड्यूल है जो भी हो। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो 11 का जो है अभी के अकॉर्डिंग 11 जुलाई को उनका पेपर होना है, और होकर पूरी चांसेस है कि आपका होकर रहेगा। इसके साथ ही 11 आर्ट्स का जो पेपर है वो 12 जुलाई को है, और 11 कॉमर्स का जो है वो 13 जुलाई को है, और 6 का पेपर 15 जुलाई को है, और 9 का जो है 18 जुलाई को है। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या इस बार भी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो जून में जो जामिया का जो पेपर होना था उसको पोस्टपोन करके जुलाई में किया गया, तो बच्चे ये पूछ कि क्या इनका अभी जो हमारा जो जुलाई में जो एग्जाम होगा क्या वो भी पोस्टपॉन्ड होगा या एक्सटेंड होगा। तो इस बार अभी पूरी चांसेस है कि आपका पोस्टपॉन्ड नहीं होगा बल्कि आपका पेपर हो करेगा। आप कहेंगे कैसे, उसके कुछ वैलिड रीजन है। एक तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि आपका जो जामिया में जो इस बार PhD का एग्जाम हो रहा है, जो कि ऑलरेडी 22 जून से ऑलरेडी हो रहा है, और ये 28 जून तक चलेगा। तो ऐसे में अगर जामिया PhD का एंट्रेंस टेस्ट आसानी से करवा सकती है तो देन आपका भी एंट्रेंस आराम से करवा सकता है, इसमें कोई उसे प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे में आपको फिलहाल ये करना है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से करना है, क्योंकि वैसे भी एटलीस्ट अभी आपके पास 15 से 20 डेज के आसपास बचा हुआ है। आप अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, खासकर स्कूल वाले पेरेंट के लिए। अब वही अगर हम बात कर लें जो स्टूडेंट्स पूछना चाह रहे हैं, खासकर जो UG के लिए अप्लाई किए हैं, चाहे वो BA BSc BCOMs हो या BA पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, या फिर PG में हो, या फिर इवन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले एस्पेरेंट के लिए भी, देखिए अगर फॉर्म उन लोग इन तीनों एस्पेरेंट के लिए यानी UG PG और डिप्लोमा के लिए, इनका जो फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो देखा जाए तो 30 जून है, तो अभी इनके पास फॉर्म फिल करने का ही डेट मिला हुआ है ऑलरेडी। दूसरा अगर एंट्रेंस टेस्ट के डेट की बात करें तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर मिड जुलाई से लेकर के एंड अगस्त तक इनका पेपर होना है, एंड अगस्त तक। तो ऐसे में इनके पास भी काफ़ी टाइम है और पूरी चांस है। अगर अलग बात है कि प्रोस्पेक्टस में ये मेंशन है कि हाँ ऐसा है, ये डेट जो है टेंटेटिव है, लेकिन टेंटेटिव इसलिए रखा गया क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोविड का सिचुएशन ख़राब होगा तो ऐसे में जो है एंट्रेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन बहरहाल आप देख रहे हैं कि आप इंडिया में नो डाउट केसेस जो वो डाउन होता जा रहा है, और वैसे भी ऑलरेडी जामिया इंट्रेंस कंडक्ट कर रही है, करवा रही है। तो ऐसे में आपका भी यानी कि जो यूजी पीजी और डिप्लोमा के लिए इंट्रेंस स्टूडेंट्स दिए हैं उनका भी ऑलमोस्ट एग्जाम होकर रहेगा। अब ये कि जो बच्चे देखना चाहते हैं कि उनका एंट्रेंस टेस्ट किस डेट में है, तो वो सिंपल जामिया की ही जो वेबसाइट से जाकर सिंपल जो यूनिवर्सिटी का जो प्रोस्पेक्टस वो डाउनलोड कर ले, उसमें साफ मेंशन है किस किस डेट में किस किस कोर्सेज का एंट्रेंस टेस्ट होगा। सो फाइनली ये है कि आपका जो है अभी कोई वैसा नोटिफिकेशन नहीं है कि जिससे आपको ये पता चल सके कि आपका टेस्ट पोस्टपॉन हो गया, और अगर वैसे कुछ भी होता है तो सिंपल आपके जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, जो कि कहाँ मिलेगा आपको थोड़ा एक बार फिर से बैक टू बैक मैं दिखा दूँ, ये इसी पर ही आपको दिख जाएगा। लेटेस्ट में अगर नोटिस देखें तो यही था, इसलिए मैं आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जामिया मिल्लिया इस्लामिया को लेकर। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।